दोस्तों आज आईपीएल का 52वां मैच खेला जा चुका है और दोस्तों ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। दोस्तों जहां इस मैच में बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं जब इसके बाद हैदराबाद ने पारी की शुरुआत करी तो उनकी शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही थी, क्योंकि 14 रन के स्कोर पर ही जॉर्ज गार्टन ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था और अभिषेक शर्मा 13 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और जेसन रॉय के बीच दूसरे विकेट के लिए 70 रनों की पार्टनरशिप हुई थी और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद की पारी को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन दोस्तों तभी 84 रन के स्कोर पर हर्षल पटेल ने केन विलियमसन को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों विलियमसन 31 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में डैनियल क्रिश्चियन ने एक ही ओवर में हैदराबाद की टीम को दो बड़े झटके देते हुए प्रियाम गर्ग और जेसन रॉय को आउट कर दिया था, जहां दोस्तों प्रियाम गर्ग 15 रन बनाकर आउट हुए थे तो वहीं दोस्तों जेसन रॉय 44 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने अब्दुल समद को भी आउट कर दिया था और अब्दुल समद 1 रन बनाकर आउट हुए थे और दोस्तों इसी के साथ 107 रन के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। और वहीं दोस्तों इसके बाद 124 रन के स्कोर पर हर्षल पटेल ने वृद्धिमान शाह को भी आउट कर दिया था और दोस्तों रिद्धिमान शाह 10 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने जेसन होल्डर को भी आउट कर दिया था और होल्डर 16 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों इसी के साथ 20 ओवर खत्म होने के बाद हैदराबाद की टीम ने 7 विकेट खोकर 141 रन बनाए, जहां राशिद खान 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो वहीं दोस्तों बेंगलोर के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करी, जहां बेंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट हर्षल पटेल ने 3 विकेट झटके, वहीं डैनियल क्रिश्चियन को 2 विकेट हाथ लगा तो वहीं युजवेंद्र चहल और जॉर्ज गार्टन को 1-1 विकेट मिला। और वहीं दोस्तों इसके बाद बेंगलोर की टीम को ये मैच जीतने के लिए 142 रन बनाने थे। और वहीं दोस्तों जब इसके बाद बेंगलोर की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर चौका मारकर करवाई थी। लेकिन दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने इसी ओवर में विराट कोहली को आउट कर दिया था और दोस्तों विराट कोहली इस मैच में मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। और वहीं दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में सिद्धार्थ कौल ने डैनियल क्रिश्चियन को भी आउट कर दिया था और क्रिश्चियन बस 1 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद 38 रन के स्कोर पर उमरान मलिक ने बेंगलोर की टीम को तीसरा बड़ा झटका देते हुए शिखर भारत को आउट कर दिया था और भारत 12 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों 3 विकेट गिर जाने के बाद इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पाडिकल ने बेंगलोर की पारी को काफी अच्छे से संभाला और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 54 रनों की पार्टनरशिप करी थी। दोस्तों जहां इस मैच में मैक्सवेल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 92 रन के स्कोर पर केन विलियमसन के जबरदस्त थ्रो की वजह से मैक्सवेल रन आउट हो बैठे और दोस्तों मैक्सवेल ने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में 40 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों जहां दूसरी तरफ देवदत्त पाडिकल काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उनको भी 109 रन के स्कोर पर राशिद खान ने आउट कर दिया और दोस्तों देवदत्त पाडिकल 52 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद बेंगलोर की टीम को आखिरी 3 ओवर में ये मैच जीतने के लिए 29 रन बनाने थे। और वहीं जहां दोस्तों इसके बाद शहबाज अहमद काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उनको 128 रन के स्कोर पर जेसन होल्डर ने आउट कर दिया और शहबाज अहमद 14 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद बेंगलोर की टीम को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए 13 रन बनाने थे और दोस्तों आखिरी ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे और दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने इस ओवर में मात्र 8 रन दिए और दोस्तों डिविलियर्स इस मैच में आखिरी बॉल पर छक्का नहीं मार पाए और इस वजह से बेंगलोर की टीम ये मैच हार गई। और दोस्तों हैदराबाद की टीम ये मैच 4 रनों से जीती है।